school days. It was all disciplined life and all that. So you have a first day of work, no better than you have. But just see, all the days are there, fun and musty. Class now. Yes, sir. So you get a lot of freedom here. तो कई बार उस फ्रीडम का कुछ लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं. Don't misuse that. Time to think that yes, now I have to cultivate self-discipline. Okay, that is what is required. So that you don't lose on any area. Here are some most inspiring Indian professionals and leaders. Here is one. पहचानते हैं इसको? इंदिरा मोदी. अच्छी दोस्ती है वो भी आपको जानती है नहीं बोली ओके टाइम विल कम दैट शी विल आल्सो नो यू ओके इनको तो सभी जानते हैं एवरीबॉडी नोज इट ओके सच ए ग्रेट मैन इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड रियल ग्रेट मैन एंड हियर इज अनदर वन अरे ताली तो बजाओ इसके लिए व्हाट ए ग्रेट चैप गूगल जैसी कंपनी को हेड कर रहा है वो खड़क पूरी है सब प्रॉब्लम है एंड हियर इज वन मोर हु इज दिस गेस एनी गेस साइरस मिस्त्री नो ही हैज गॉट मैक्सिमम पेटेंट्स ऑन हिज नेम द इंडियन His name is Arvind Tyagarajan and he is not from IIT. He is from college Gindi. College of Engineering Gindi. वहाँ का है। Maximum patents on his name. And here is one more. Who is he? Flash up. It's you man, yes. It is you there पीछे and you there पीछे and there. Try to visualize. That one day somebody comes and gives a presentation here and your photograph is being shown like this, 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 this. Possible? Yes, sir. Possible? Yes, sir. You know, Bob? Yes. But you have to work for that. Okay? If you want your photograph to be shown, someday, 10 years down the line, 20 years down the line, there's no problem. Now, one thing common about all these chaps were, they were all dreamers. Because dreaming is very, very important. And nobody can stop any one of us from dreaming big. हम सब लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग मिडिल क्लास के कोई यहाँ पर सुपर रिच आदमी बैठा हुआ है जिसके नीचे मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो या ऑडी गाड़ी खड़ी होगी या ड्राइवर कोई है कोई अगर होता तो शायद वो स्टैनफोर्ड पढ़ने चला जाता सीधा या बाहर चला जाता कहीं पर ओके वी आर ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास पीपल और मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ड्रीम्स भी होते हैं वो बड़े लो होते हैं ओके सो नाउ ऑनवर्ड स्टार्ट ड्रीमिंग बिग वी से बी अ ड्रीमर ए ड्रीम इज एक्शन इज ए ड्रीम इज एक्शन इज कमिटमेंट And a dream with action is association. Mungeri Lal ke sapne. Agar dream hi karte rahoge to fir Mungeri Lal ban jaoge. Aur dream ko agar follow karoge action ke saath to then yes it's commitment. Yes I'm going to do it. So a dream has to be followed with action. That is very very important. They say build a dream and the dream will build you. Build a dream and the dream will build you. Because then you will follow that direction. Keep your targets always high. Let's be an aimer and not be a blamer. दो टाइप के लोग हैं जिंदगी के अंदर एमर भी हैं जो यस मैं इस चीज को एम कर रहा हूं और उसमें लगे रहते हैं और दूसरे हर चीज को ब्लेम करते हैं क्लास में नंबर कम आए सारा टीचर ने पढ़ाई क्लास में नंबर कम आए तो दोष किसका है टीचर का ओके और खाना मैस में बेकार है यूजलेस है ब्लेम करेंगे चाय पीने जाएंगे वहां चाय को ब्लेम करेंगे हर चीज को ब्लेम करेंगे देयर आर पीपल लाइक दैट एंड व्हाट आर दे कॉल्ड क्रिबर्स क्रिबिंग ऑन इट ओके एंड देन कुछ लोग
पुश्तानी केवल क्रिमर्स होते हैं कि ब्लेम ये भी आपके खाना कैसा भेजा है फारूक का अच्छा और इनके मत मारना यार इट्स ओके ओके फाइव स्टार हु सेड फाइव स्टार बहुत बढ़िया आई एम वेरी क्या नाम है आपका अमन कुमार शर्मा जी को फाइव स्टार लेवल का खाना मिलता है अब सर सब जाके पी लेंगे उसके बाद आई लाइक दैट हमारे टाइम में रैगिंग हुआ करती थी आजकल तो रैगिंग होती नहीं है ओके तो यू आर मिसिंग सम फन यू नो और हमारे टाइम में एक आईडी मिक्सर होता था क्या होता था आईडी मिक्सर तो आईडी मिक्सर हर फ्रेशर को पीना ही पड़ता था क्या होता था आईडी मिक्सर एक ग्लास लिया थोड़ा सा पानी डाला उसमें दाल के दो चम्मच सब्जी के दो चम्मच दो चम्मच नमक के दो चम्मच रोटी के दो चार टुकड़े और उसको हिलाओ और फिर पी जाओ ये होता था आईडी मिक्सर That is how the initiative used to be done in the first place. Okay? But anyway, it was fun, you know. We used to enjoy it. Okay, coming back. Always set your goals high. Remember that. Goals totally a thing. Dreams to destination ke kuch steps hain. In the... Sanjay ko pehchante hain? Shiva. Bronze ji chuka hai, silver ji chuka hai, taiyari kar raha hai? Gold. Gold. Great. Now, here are some steps. First and foremost, have dreams. और dreams को convert कीजिए burning desire में. And once you have converted that to desire, then find out, okay, this is my direction now. And follow that direction with dedication, determination and discipline. ये तीन शब्द याद रखने हैं. Dedication, determination and discipline. And then break your dream into small deadlines. Because dream जो होता है केवल देर होता है. उसको छोटी छोटी डेडलाइन में कन्वर्ट करो एंड सपोज आपने अपने ड्रीम को 10 डेडलाइन में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट डेडलाइन इज वेरी क्लियर यस एंड द मोमेंट फर्स्ट वन यू अचीव दैट द सेकंड वन इज क्लियर थर्ड वन फोर्थ वन एंड दिस वे यू कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम ड्रीम ही नहीं होगा तो डेडलाइन नहीं होगा डेडलाइन नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे देन यू आर लाइक अ शिप इन द सी ओपन सी अब आगे बड़ों से इधर उधर जा रहा है आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हिंदी बीच में मैं एक दो सेंटेंस बोलता हूं हिंदी का Anybody who doesn't understand Hindi, please raise your hand. Everybody understands? Everybody understands? Yes, sir. Okay, fine. So, in steps to follow, you will reach to your destination. Nobody can stop you. Your deadlines, they become your goals. Pursue goals with passion. Junoon, jisko bolte hain, junoon ke saath apne goals ko aapne follow karna hai. जुनून के लिए पागलपन शब्द भी यूज किया जाता है बट मैं उस शब्द को यूज नहीं करता जुनून शब्द थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है एंड हाउ हाई योर गोल शुड बी आवर गोल शुड बी हाई एनफ टू मोटिवेट येट रियलिस्टिक एनफ टू अवॉइड डिस्करेजमेंट और रीजनेबली हाई एनफ टू सेट मोटिवेट यू बट रियलिस्टिक एनफ अगर आपके मार्क्स मान लीजिए परसेंटेज की बात करता हूं 70% आते हैं तो आप बोलो ये अगली बार मैं 72% लेके आऊंगा डजंट मोटिवेट 2% नहीं आप बोलिए यस 80% क्रॉस करूंगा तो यस यू कैन मोटिवेट एंड मास्टर जी 70 से 72 इज नो मोटिवेशन ओके यू हैव टू लिटिल बिट स्ट्रेच गोल होना चाहिए थोड़ा सा सो बट रियलिस्टिक नाउ गोल्स मस्ट बी स्मार्ट एनीबॉडी नोस द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट एस एम ए आर टी कैपिटल में लिखा सारे एनीबॉडी Anybody wants to give a guess? Anybody from BG Song here? No. Nobody from BG Song. Okay. Nobody knows the full form of SMART? Okay. So note kar lijiye isko jinke paas kuch likhne ke liye hai. If your goal has these five characteristics, I can guarantee you will achieve every goal of yours. Guarantee deta hu main aapko. S stands for specific. N stands for measurable. A stands for achievable. R is relevant to your area in which you are working. And P is time bound. Anyway, they give us smart karte aap photo le raha hum to bolia great but come go go what is the other option thank you modern technology use ki hai why not so goal should be smart on this if you go the smart you are bound to किसी
किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आप कोई जॉब में जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, आपकी पढ़ाई का गोल है, अगर मान लीजिए आपको सिलेबस खत्म करना है स्मार्ट फेलियर हो सकता है भी, बट द चांस बिकम मिनिमल इफ योर गोल्स आर स्मार्ट. नाउ ऑल दोस ग्रेट पीपल जिनकी मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी, डजंट मीन दैट दे नेवर फेल्ड. वाज इट अ स्मूथ केक फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल? इज इट दैट दे नेवर फेल्ड? नो, दे डिड फेल. दे से फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. ए विनर इज वन, ए विनर इज नॉट द वन हु नेवर फेल्स, बट The one who never quits. हार नहीं मानूंगा. एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूं. मेरी बड़ी दोस्त है, सुन लिया है अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूं. समझ में आ गया सर. सो हार नहीं मानूंगा. तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा तो कदर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार, एक बार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. तो हार आती है एक आदमी, कोई चिंता नहीं, और एक आदमी जीत से इतना भी मत खुश होगा कि मैं दुनिया फतेह कर ली. तो हमने जेई क्लियर कर लिया. डोंट थिंक वी आर ऑन द वर्ल्ड, नो, just a stepping stone, first step. By clearing J, you have just taken the first step. It's a very great step, there is no doubt about that. I congratulate you for that. But just the first step. You have miles to go. Miles to go. So, man, itna ahankar nahi aana chahiye. Hey, main to lead India. Usne nahi jeeta, mere prof ne, maine kar diya. Wo to us chote se college mein chala gaya. Main to koi prof hai, no. Take it in humility. Yes, I have covered my first step. Now I'm going to do well here next 4 years or 5 years, whatever it is. Take that as a spirit. Okay? So we see at the feet, they are part of life. Take another part of life. Fine, see. And keep moving ahead. Because we know that winners compete against themselves. They better their own records constantly. Apne saath ko beat ko. दूसरे साथ कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं, अपने साथ ही कंप्लीट करो. पिछली बार मेरे इतने मार्क्स आए, आपकी बार में इतना होगा, आपकी बार में ये करूंगा, आपकी बार में ये करूंगा, अपने आप से कंप्लीट. क्योंकि दूसरे से कंप्लीट में करने क्या होता है, कई बार अननेसेसरी रेवेलरी बढ़ जाती है. आप अपने नोट्स छुपा के रखते हैं, मैंने कहा था थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाओ. ओके, डोंट बी सो नर्वस. इनको पहचानते हो? वेरी गुड. क्या नाम है आपका? दिव्यम. जैन. दिव्यम जैन ने बिल्कुल ठीक बोला. आपको इसमें एक प्राइज देना चाहूंगा, दिव्यम जैन को. Any guess?
of book. How much, sir? 1800 something. 1800 something. Who, sir? How much? Or any other others? More than 2000. More than 2000. You don't have to be over. It was less than 2000. It is around 1087 years past. Okay? So many people. Just imagine one man those days. You think of a field and he has gotten that field. किसने टाइम मिले थोड़ा सा तो गूगल में जाकर थोड़ा देखिए ना एडिसन की क्या क्या इन्वेंशन है उसकी जस्ट सी आपको एक प्रेरणा मिलेगी यार वाह ग्रेट मैन लेकिन आप सुनो समझ में आता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आपने सुना है काफी मैं क्या कह रहा हूं हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग एनी प्रॉब्लम विद दैट एनीबॉडी हैज ऑब्जेक्शन टू दैट हाई लिविंग ऐश करो यार पैसा कमा तो दबा करके कमाओ भूस है मत कमाओ खर्च करो बढ़िया से बढ़िया पैसा कमाने की कोई बुराई नहीं बट हमारे संस्कृति में कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म के रास्ते में चलते हुए ऑन द राइट पाथ गोइंग ऑन द राइट पाथ यस अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल फाइन व्हाई नॉट और उसको अच्छे कामों के लिए खर्च कीजिए कल को कोई गरीब आदमी आता आपके पास एंड ही सेज इज नॉट मेरी बेटी की शादी चल रही है बिना सोचे समझे आप 1 लाख रुपए का चेक काट के ले दिए यू शुड हैव सो मच यस यू लुक बहुत ही सिंपल लेकिन हाई थिंकिंग करते हैं मैं पूरी हाथ जोड़ता हूं हैट्स ऑफ टू यू बट नथिंग रॉन्ग विद हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग एंड इतनी फॉर लोग जानते हैं जेआरडी काटा जेआरडी काटा जी बिल्कुल बहुत लोग उसने हाथ लगा बोला क्या हुआ आपका रिहेन छेड़ा हैं रिहेन छेड़ा छेड़ा What I said earlier also, I'm not a blamer again. He aimed very high. He didn't blame because those days no Britishers were there in this country. They didn't allow the Indian industry to come out. But still this man struggled. He never blamed them. In fact, he took along them also with him. He says, we have to build India. And he was the man who can be considered as, you know, the father of the iron industry or the steel industry. No complaints, no giving from today onwards. Okay? Agreed? Yes, agreed? Yes, sir. They say 50% of the people don't care if you have a problem and the other 50% are happy that you have a problem. Saleh ko raat pata chala. Bhi kya baat tha? Ab line mein aaya na. Khush ho ke bol. It's a fact. So, duniya mein dhora pitane ka koi fayda nahi apni baat. Keep your problems to yourself. Yes, कई बार होती है problem. आप दोनों बड़े अच्छे दोस्त हो, you can always share आपस में एक दूसरे को थोड़ी बहुत कर सकते हो. लेकिन ढिंढोरा पिटाने की कोई जरूरत नहीं है. Am I right? ठीक बोल रहा हूँ मैं? लोग मजाक उड़ाते हैं. कहते हैं फंस गए ये. अब पता चलेगा. ठीक है बात. So now onwards, no complaints, no feeling, and have a focused approach in your life. Always focused approach. Here I am reminded of a story about a few frogs. Do you stay in the jungle? और आजकल मानसून का समय चल रहा है, तो मानसून में मेंढक लोग क्या करते हैं? खूब टर्टर करते हैं, खुद जा। So all these meadows, the frogs used to make fun of mice in the jungle, and all the animals used to make fun of them. Hey, you little creature, that's good for nothing, useless. You make so much of mice. And hey, come on, don't worry, insult us. You may be very small, but you know we can do anything. Anything? Yes, तो बंदर जो थे जो मैक्सिमम मजाक उड़ाते थे they said, can you climb this tower? तो जोश में आकर के बोल दिए yes we can. हालांकि उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना था. तो जोश में बोल दिया उन्होंने yes we can. Hey, you can climb this tower. कहते yes we can. तो जनाब अनाउंसमेंट होगी कि कमिंग संडे मॉर्निंग 9 o'clock all these little creatures they are going to climb this tower. पूरा जंगल इकट्ठा हो गया वहां पर और मिस्टर भालू को रेफरी बना दिया गया. He blew the whistle and all these little frogs they started climbing. And all the other animals shouting, they can't do it, they can't do it, they can't do it. And it actually happened, he frog bichare yahan se gire shuru hue yahan tak yahan tak yahan tak kuch yahan tak pahunche ho gaye ek akela ye wala frog usko yahan tak pahunch gaya and animals just
sort it, even he can't do it, even he can't do it. But this little sense of duty, sincerity, character, integrity. इसमें से मैं एक वर्ड जो पूछूंगा एम्पथी का मतलब पता है क्या होता है एम्पथी का मतलब है पता क्या होता है या टू वर्ड सिंपथी एंड एम्पथी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फील द सिचुएशन फील द सिचुएशन आई मीन टू बी इन द सिचुएशन एक्सपीरियंस इट पुटिंग योर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ द अदर पीपल एंड देन सी हाउ इट फील्स आपकी इनके साथ लड़ाई होगी किसी इशू के ऊपर एंड देन यू पुट योरसेल्फ इन दिस पोजीशन एंड देन सी यार मैं अगर इसकी जगह पे होता तो क्या करता ओके दैट्स इट अगर आप एम्पैथी का अच्छी तरह से मीनिंग समझ लो तो जो आज हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दोस कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी ओवर यू जस्ट स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो ओके दैट इज ओनली एंड व्हाट इज इंटीग्रिटी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इज जो आप सोचते हो वही आप कहते हो और वही करते हो मन कर्म और वचन इन तीनों में तारतम्य होना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए एकात्मता होनी चाहिए ओके व्हाट यू थिंक व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू ओके व्हाट यू गेट योरसेल्फ टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल टफनेस वेरी इंपॉर्टेंट यू गॉट टू बी फिजिकली टफ आल्सो एंड मेंटली आल्सो टफ एग्रीड Because there are times when you have to finish your project, you have to go back and mentally also, don't know. How many of you do participate in some sort of sports? Just raise your hands. Okay, there are not hardly 20% people. Okay, ठीक है. और बाकी लोग जो sports में हिस्सा नहीं लेते, do they do some sort of yoga? Some morning walk? Morning walk? कितनी? आधा किलोमीटर? 2.2 kilometers. Good. Okay. Fine. So, physically or mentally, dono tough hona bahut zaruri hai. Here is the 7 C's formula for success. Ye jo shot aap dekh rahe ho, ye maine Nigeria mein program kiya tha. And this gentleman is Haiti Kwaku. Azab Bhav, 1982 batch, Akshay Kumar. He is the MD of the company here. So, Nigeria mein aaya. Anybody from Azab Bhav here? Wow, 2, 3, 4, 5. Only 5 people from Azab Bhav. Here are 7 C's formula for success. There are 7 C's. Remember those 7 C's. First C is communication. Very important. Communicate. And communicate mein ABC ka formula hai. Accuracy, brevity and clarity. Ye teen shabd dimag mein yaad rakhiye. Accuracy, brevity and clarity. And ineffective communication, wherever it is, it leads to confusion and anger, misunderstanding, hostility, and alienation. जब कई बार कम्युनिकेशन की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉलेजेस के अंदर कई बार ह्यूमर फैल जाती है यार मैस स्ट्राइक होने वाली हमारे टाइम में तो होती थी आजकल तो शायद मैस स्ट्राइक डजंट मैटर क्योंकि सो मेनी रेस्टोरेंट्स ऑल अराउंड हमारे टाइम में मैस स्ट्राइक बहुत हुआ करती थी तो सडनली एक रिवर फैल जाती थी क्योंकि यार मैस स्ट्राइक होने में लोग तैयारी कर देते थे बेचारे बैग पैक करते सो कहीं पर भी रिवर्स हो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लियर दोस डाउट्स ओके कंसंट्रेशन आपने कभी ना कभी एक एक्सेलेंस लेकर के कागज चलाया होगा आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड हैव डन इट अगर वो कन्वेक्सेंस हिलता रहे तो क्या कागज चलेगा ऊपर नीचे करें चलेगा सिमिलरली यू डोंट डू कंसंट्रेशन के साथ अपना काम नहीं करोगे यू कांट अचीव सक्सेस सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज व्हेन यू आर स्टडीिंग व्हेन यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग उस समय व्हाट्सएप भी बंद होना चाहिए फेसबुक भी बंद होना चाहिए सब कुछ बंद होना चाहिए नो मल्टीटास्किंग दैट बट यस व्हेन यू आर वाचिंग टीवी दैट टाइम मल्टीटास्किंग कैन गो ऑन तो उस समय आप फेसबुक भी करते रहो व्हाट्सएप भी करते रहो सब कुछ करते रहो जब टीवी देख रहे हो और जब स्टडीज कर रहे हो कंसंट्रेशन एम आई राइट फुल कंसंट्रेशन थर्ड वन इज कर्टियस बिहेवियर वेयर आर यू इसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लीजिए कर्टियस बिहेवियर मैं आईआईटी में 5 साल रहा बीटेक किया लेट मी टेल यू 5 साल में मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं यू विल नॉट बिलीव इट तभी तो मैं वीपी बना
सिर्फ ने इसके बारे में जीसेक सर्कल भी पता, और शायद कुछ लोगों को पता होगा जीसेक के बाद वीपी आज तक कोई नहीं बना, वीपी बना होगा। ऑलवेज सबके साथ अच्छी तरह से मिलना जुलना बढ़िया काम करना ठीक है। हाँ यस, किसी की हेल्प कर सकते हैं हेल्प करो। लड़ाई में क्या लिखा है यार, छोटे मोटे डिफरेंसेस होते रहते हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ कुछ लोग मेरे पीछे पड़े तो भी मैंने उनको टाल दिया, उनके चल ठीक है यार। एक मेरा दोस्त था, अब मैं ये शेयर कर ही लेता हूँ, कहानी शेयर कर लो थोड़ी सी। मेरा पड़ोसी था, आजकल वो यूएस में है। I stayed with him full 10 days around. He looked after me very well. RK Hall में मेरा बिल्कुल next door वाला D block. Anybody RK Hall वाले को नहीं था? RK Hall वाले को एक दो तीन चार लोग हैं, पांच छह, फाइन। तो D block में मैं number two वाले room में रहता था, वो number one में रहता था। एकदम corridor जहाँ से शुरू होता है। तो हम शाम को खाने के लिए जा रहे थे, नाम भी बताइए तो यार, अनिल श्रीवास्तव नाम है उनका। तो श्रीवास्तव भी दुबले पतले एकदम, एंड नैनीताल के रहने वाले थे, और अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं मानते थे। एंड उन्होंने जब खाना खाने जाना तो कोशिश करनी मैं दो चार रोटी फालतू खाऊं, खाना दबा तो दुबले पतले हैं, थोड़ा मोटा होना चाहते हैं। फिर आकर के रूम में उन्होंने ऐसे टांगों में देखना हाथ लगा कर, नहीं पड़ा फिर इधर देखना नहीं पड़ा, फिर शीशे के सामने देख के करना गाड़ी मोटे नहीं तो यूज टू यू नो एनी वे। वेरी गुड चैप, वेरी गुड इन स्टडीज। He shifted from civil engineering to mechanical engineering. तो मैं क्या बता रहा था, शाम के टाइम जब मैं खाने के लिए जा रहा देखा तो श्रीवास्तव के रूम की लाइटें जली हैं, पीछे कर्टन के पीछे है और जनाब अपने रूम में नंगे घूम रहे हैं, और लाइटें जली हुई है, कम से कम कर्टन आगे कर लेता कुछ कर लेता। तो और भी लोग जा रहे थे वहां पर, तो मैंने कहा ये देखो देखो यार श्रीवास्तव क्या कर रहा है, देखो। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और खिड़की के पास आके खड़े खुसर 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 शुरू हो गए। श्रीवास्तव को सडन देगा कि यार कुछ खुशू खुशू हो रही है वहां पर, तो उसने सडन देखा वहां पे देयर वाज अ क्राउड ऑफ सम 10 12 गाइस, ही सडन लगा उस और बंदा एकदम और बाहर निकला दरवाजा निकाल करके, कौन है हां तुम ये गाली वाली ग्लोच करते हो, किसने तो किसने बीच में बोल दिया यार हम तो खाना खाने जा रहे थे, ये जितनी ने हमको बुला लिया। कहता जितनी तो सारा मेरा दोस्त है, आज मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, आज मैं छोड़ने वाला हूं। तो ही वाज आफ्टर मी, ही डिड टॉक टू मी फॉर अराउंड 6 7 डेज एट लीस्ट। ठंडा हो गया, कहता कोई बात नहीं रिलैक्स कर। फिर बाद में ये भी कहता है, कहता यार तू देखता रहता अकेला दूसरों को क्यों बुलाया। मेरे को गुस्सा इस बात का है कि दूसरों को क्यों बुलाया। ओके कमिंग बैक, कट दिस मेरी ऑल दिस वेयर टू वर्क एंड फॉलो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोग खलित में आओ, खलित का अपना एक कल्चर है, दूसरे आइडियाज का अपना अलग कल्चर। तो जहां भी जाते हो उस कल्चर को फॉलो करो, उसी में आनंद आता है। कल को आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द कल्चर। इफ दे से जींस इज नॉट अलाउड, वेयर जींस देयर। लेडीज के लिए दे से यू हैव टू वेयर साड़ी, फाइन ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर दे से, ओके फाइन, यू वेयर व्हाट यू लाइक, फाइन एंजॉय। दे से पंक्चुअलिटी, नो फ्लेक्सी आवर्स, फाइन बी पंक्चुअल, ओके। There are some companies like, you know, they have flexi hours. What time you come, what time you go, they are not bothered, you know. But some companies say nothing doing, please come in time, please go in time. So whatever the organization's culture, just follow that. And confidence, always have confidence in yourself. Confidence in yourself, confidence in your subordinates, confidence in your friends. Jinko aap lead karoge kal organization mein jaakar ke, unke upar bhi confidence hona zaruri hai. वहां पे वीपी बैठा हुआ पीछे, he got to have confidence on his all G6, all his team who are having various secretaries and all that, full confidence होना चाहिए, हर प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सोता बाबा एक टीम की तरह काम करते हैं, ओके। ये मेरी एक बुक है which has been just released on Kindle, Amazon.com की, तो वी कैन 22 अगस्त को रिलीज हुई है। कॉमन सेंस, कई बार हम लोग कॉमन सेंस को भूल जाते हैं, बड़ी डिफरेंट तरीके से डिफिकल्ट तरीके से चीजें करने की कोशिश करते हैं। सो नेवर लूज कंट्रोल ऑफ कॉमन सेंस एंड कोलैबोरेशन। व्हाट्स कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बड़े बड़े काम जिंदगी में जो होते हैं कोलैबोरेशन के साथ ही होते हैं, अकेले में काम नहीं कर सकते।
success is not always guaranteed, despite all those 7 C's का जो formula में बताया है, is not always guaranteed that success. Failure still not. Failure is not the problem. It is the fear of failure that is the problem. Fear. वो जो fear होता है, वो आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है. Fear can destroy our ambitions, fear can destroy fortunes, it can destroy lives, and it will make us stagnant. वो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको. तो अपने मन के अंदर fear को कभी घुसने नहीं देना. No fear, please. Once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. And as soon as fear approaches near, just attack it and destroy it. You are that fear. Attack it. Run towards a fear. Fear se ghabrana nahi hai. Just run towards a fear will disappear. And there's sometimes fear of making mistakes. Doesn't matter. To add is human. Har aadmi se galti hoti hai. Oh, galtiyon se ghabrana nahi hai. But learn from the mistakes of others. Mere senior ne ye galti ki thi, main nahi karunga. Mere bade bhai ne ye galti ki thi, main nahi karunga. Learn from the mistakes of others. Okay? That's very, very important. There are no limits to what you can accomplish except for the limits you place on your own imagination. And since there are no limits to what you can imagine, there are no limits to what you can achieve. No limits. क्या सुंदर विचार ने कभी सोचा था कि मैं Google का top post करूँ? Anything is possible. Anything. It's your imagination which stops you. You break लगा दिया. आप लोग आगे 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 chairs खाली हैं. Please come. Please come. You will get BBI treatment here. आजी. Please come. Family and friends play a great role in your success. So cultivate a very good circle of friends. And within your family also, maintain good relationship with everybody. Teamwork is important, networking is important. Very important networking and teamwork. Here is the story of HT. HT, kya hota hai? What is HT? Any idea? Any guess? Hindustan Times. And my H is Here and Tortoise. The story of Here and Tortoise series suni hui hai aap sabhi logon ne? Kya hua the story kya hua uska? Slow and steady. Slow and steady. आप बोलोगे यार 35 साल पुराना 79 का पासवर्ड हमको कछुए की और खरगोश की स्टोरी सुना रहा है पहले मेंढक की स्टोरी सुनाई है हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं But yes, let me tell you it's important. And you will like it. Story goes like this, everyone knows. Once upon a time, there was a tortoise and there was a hare. And who was faster? They wanted to decide. And they set a route and decided to race. And jab race started, the khargosh full speed ke saath bhaga. लेकिन जून का महीना था रास्ते में एक पेड़ के नीचे कहता है यार भी कुछ कछुआ बहुत पीछे में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और सो गया और कछुआ जनाब धीरे धीरे चलते रहे उन्होंने देखा वो सो रहा है सीधा फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए वो रेस जीत ली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी अब जस्ट इमेजिन उस कछुए के ऊपर जो जीत गया था पूरे जंगल में उसके गार्लैंड हुई उसके बाद स्वागत किया गया हे यू हैव वन एंड डन अ ग्रेट कम ऑन कछुआ तुमने खरगोश बना दिया तो खरगोश की क्या हालत हुई वो अपने बिल से बाहर ही निकल पा रहा था इतनी शर्म आई उसको हारने के बाद कि कछुए से हार गया जब ही मारे अब इस तरह ये कछुए से हार गया पूरी हालत सो दैट ही वाज डिसअपॉइंटेड ही डिड समथिंग ही फेल्ट आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट आई वाज केयरलेस एंड लेजी अगर मैं इन चीजों को ओवरकम कर लेता हूं आई कैन डिफीट हिम सो ही चैलेंज द टॉप पाइल्स डार्टस ने बोला यार चलो एक बार और भागते हैं पर कुछ और जरा सिंपल आदमी है उसकी बातों में आगे चल क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट राउंड सो डॉट इज एग्री एंड दे डिसाइड टू रन अगेन एंड दिस टाइम हियर वेंट ऑल आउट एंड रन विदाउट एनी स्टॉपिंग एंड रीच द फिनिशिंग लाइन इन नो टाइम मॉरल फॉर द स्टोरी इज गुड टू बी स्टूडेंट स्टडी बट Fast and consistent will always beat the slow and steady.
fast and consistent will always be the slow and steady. अब कुछ और सोचता है यार अच्छा वाला मैं जीता हुआ था सब लोग मेरे की वाला करते हैं पूरे पूरे जंगल में मैं क्यों मारा इसके साथ भागने में I should have agreed so उसने सोचना शुरू किया and then he realized there is no way he could beat the hare in a normal race तब उसके दिमाग की घंटी बजी कहता है yes here is one तरीका उसने क्या किया they decided to run again उसे बोला चले यार पक्के भागते हैं By that time, Ghosh was overconfident, कभी भी कहीं मर नहीं। कहता ठीक है यार, इस बार थोड़ा route different कर लेंगे। वो जो route different था, उसके रास्ते में एक नदी आती थी। तो खरगोश महाराज जैसे ही नदी पर पहुंचे लल्ले नदी आकर के आ गई काम में पहुंच गया और पीछे से कुछ महाराज आए डुबकी लगाई पार किया और दोबारा से रेस की ये सुंदरी सुनी थी सो वन ऑफ द अदर स्टोरी इज आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी जो उसकी थी कछुए ने आइडेंटिफाई की एंड देन यू हैड चेंज अप प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसी द स्टोरी कंटिन्यूज ओवर द इयर्स फिर हमने कहा था इसे बीके वेरी गुड फ्रेंड्स शाम को बैठ के चाय वाय पीनी गपशप पानी फिर कहने ये अच्छा नहीं पड़ क्यों था लेकिन इस बार जब भागेंगे वैसे टीम भागेंगे सड़क के ऊपर तू मेरी पीठ पे चढ़ गई हो और नदी जैसी आएगी मैं नीचे और तू ऊपर नदी पार करेंगे नदी पार करने के बाद फिर तुम नीचे और मैं ऊपर दोनों मिल करके भागेंगे सो सच ए लॉन्ग डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दैट दैट इज वर्ल्ड That should become luxury in your life.